नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, ये बक्सा डिक्की में रख दो। इसे मेरे पास ही रहने दो। नया रक्सिन लगवाया है सेठ। कुछ ज्यादा पैसे ले लेना। ठीक है, बैठो सेठ। पीछे क्या देख रहे हो? आगे देखो ना। सेठ, तुम इस सिटी का नहीं लगता। क्यों? इस सिटी का होता तो बक्सा डिक्की में रखता। कुछ मालवाल है क्या, या कोई स्मगलिंग का सामान? तुम अपना काम करो। चुपचाप गाड़ी नहीं चलती तुमसे। अब तुमसे क्या छुपाना सेठ? पुलिस रेडियो टेलीविजन पर बम बम करता कि एक साला बाप अपना वाइफ के घर से अपने बच्चे को लेके भागा है। जगह जगह पर पुलिस ने नाकाबंदी किया है। और फिर सेठ, पकड़वाने वाले को 5,000 रुपए का इनाम रखा है सेठ। अगर वो तुम्हें मिल जाए तो तुम पकड़वा दोगे उसे? एकदम सेठ। आप तो जानते हैं महंगाई का जमाना है। 5,000 रुपए में पगड़ी पर नया कोली मिलता है। और फिर अपन को मिल जाए तो अपन जरूर उसको पकड़वा देगा। उसे ये भी नहीं पूछोगे उसने ऐसा क्यों किया? वो भी तो उस बच्चे का बाप है, उसकी भी कोई मजबूरी होगी। लो सेठ, आ गया स्टेशन। कितने हो भाई? 22 रुपए 50 पैसे सेठ। इसका छुट्टा तो अपन के पास नहीं है सेठ। रख लो, बच्चों के लिए मिठाई ले लेना। हवलदार, वो भी तो उस बच्चे का बाप है, उसकी भी कोई मजबूरी होगी। क्या बात है? कुछ नहीं।
ही खिलाना, तू ही साथी, तू ही यार मेरा, एक ये चेहरा, ये दो बाहें, ये संसार मेरा, तू ही खिलाना, तू ही साथी, तू ही यार मेरा, एक ये चेहरा, ये दो बाहें, ये संसार मेरा, खुद को भी देखा है तुझ में, तू मेरा दर्पण, मैं दिल तू धड़कन, तुझसे मेरा जीवन कांच के जैसा, टूट जाऊंगा टूटा जो ये बंधन, मैं दिल तू धड़कन, कल तक तुम्हारा दावा था कि रॉकी को कोई हरा नहीं सकता। सवारी के ऐसे जौहर दिखाऊंगा कि सब लोग दंग रह जाएंगे। यही तुमने कहा था ना? माफी चाहता हूं सर। तुम्हारे माफी मांगने से क्या होता है? बेइज्जती तो जेके साहब की हो गई ना। मैंने पूरी कोशिश की लेकिन घोड़े ने साथ नहीं दिया। व्हाट नॉनसेंस! सवाल घोड़े का नहीं, सवार का होता है। आज अगर तुम्हारी जगह विशाल होता तो हमें यह जिल्लत नहीं उठानी पड़ती। विशाल? वो तो हमारे घोड़ों का ट्रेनर है भैया, वो क्या करेगा? तुम नहीं जानती रीटा, विशाल ट्रेनर ही नहीं, बंबई का एक माना हुआ जॉकी भी है। एक वो जमाना था जब वो कोई रेस नहीं हारता था, फिर अचानक उसने रेस की दुनिया छोड़ दी। मगर क्यों? यही तो समझ में नहीं आता। आज अगर विशाल हमारे घोड़े पर सवार होता तो हम कभी नहीं हारते। हाय विशाल। हाय रीटा जी, कैसी हैं आप? I'm all right. चल चल चल। कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन भैया बहुत अपसेट हैं। क्यों, क्या हुआ? कल रेस में उनका घोड़ा हार गया ना। घोड़ा तो बहुत अच्छा था। लेकिन जॉकी बहुत कमजोर था। विशाल, मुझे तो आज ही पता चला है तुम बॉम्बे की चैंपियन जॉकी थे,
तुमने राइडिंग क्यों छोड़ दी? जाहिर है कोई ना कोई वजह तो होगी। वही तो मैं जानना चाहती हूँ। रीटा जी, बस जो काम छोड़ दिया सो छोड़ दिया, लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी, मेरे राइडिंग छोड़ने से आपको अपने घोड़ों के लिए एक ट्रेनर तो मिल गया। तुम सिर्फ ट्रेनर की बात करते हो, तुम चाहो तो क्या कुछ नहीं बन सकते। तुम्हारे एक इशारे पर सारी खुशियों के दरवाजे खुल सकते हैं। पापा। देखिए, हमारी खुशियों का दरवाजा तो खुल गया। मेम साहब, आपकी ड्यूटी खत्म और हमारे बेटे की ड्यूटी चालू। बेटा चले। हाँ पापा। बाय बाय। मौसी हम आ गए, जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। अरे मौसी सुना क्या? मौसी बहरी नहीं है, ले खाना खा ले, और आते ही मौसी का सर मत खाया कर। सर भी कोई खाने की चीज है मौसी, और वो भी तुम्हारा। छी, देखा अपने लाडले को, मुँह में जो आता है बोलता रहता है। देखो बेटा, खाते हुए बोला नहीं करते। तुम भी तो बोल रहे हो पापा। गलती हो गई। तो फिर बोलो सॉरी। सॉरी। पापा तुम बुरा ना मानो, तो मैं मौसी से सिर्फ एक बार पूछ लूं। हाँ पूछो। मौसी आज खाने में क्या पकाया है? सामने तो रखा है, दिखाई नहीं देता? मसाले की भिंडी है। भिंडी तो जरूर दिख रही है, लेकिन तुम्हारी बनाई हुई हर चीज का स्वाद एक हिस्सा होता है। कहीं ऐसा न हो जिसे मैं भिंडी समझ के खा जाऊं, वो बाद में बैंगन निकले। अच्छा, मेरी भिंडी तुझे बैंगन नजर आ रही है, आज मैं तुझे नहीं मारूंगी, नहीं छोड़िए। मुझे तो भूख लगी, मैं तो खाऊंगा। क्यों दोस्त, सोने की तैयारी हो रही? आप इधर मत देखिए पापा। क्यों भाई? मैं कपड़े बदल रहा हूँ। तो बदल लो। मैं तुम्हारे सामने कपड़े कैसे बदलूँ, शेम होती है। मुझसे शर्म कैसी, मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, और जब से तुम पैदा हुए हो मैं तो तुम्हें कपड़े पहनाता रहा हूँ। तब मैं छोटा था। हाँ अब तो तुम बहुत बड़े हो गए हो ना। तुम्हारी मर्जी, मैं तो सोने जा रहा हूँ। यहाँ क्यों? आपका बिस्तर तो वहाँ है। नहीं नहीं, मैं यहीं सोऊंगा। अभी तो कह रहे थे मैं बड़ा हो गया हूँ। अभी इतना बड़ा भी कहाँ हुआ। देख यार, साफ बात है, बिस्तर अपना अपना अलग होना चाहिए। क्या ख्याल है? पापा प्लीज, जब सो जाऊंगा तब वहाँ रख देना, ओके? पहले भी तो ऐसे ही करते थे। रोज जहाँ सा दे जाते हो और फिर मेरे साथ ही सो जाते हो। आखिर अलग सोना कब सीखोगे? कभी नहीं, मैं हमेशा अपने पापा के सीने से लग के सोऊंगा। पापा, वो मेरा दोस्त समीर है ना, समीर, उसकी माँ उसे रोज स्कूल से लेने आती है, वो उसे बहुत प्यार करती है। बेटा, सब माँ अपने बेटों से प्यार करती है। पापा, क्या मेरी माँ भी मुझसे प्यार करती थी? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ भी तुमसे बहुत प्यार करती थी। पापा, मुझे कुछ माँ के बारे में बताओ ना। क्या बताऊं? कोई भी मजेदार बात। मजेदार बात? तो सुनो। कोई पूछेगा तो ये तो कह सकता हूँ कि मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन बारातें बहुत देखी हैं। दीदी क्या शानदार दूल्हा है, अपनी ज्योति के लिए ऐसा ही दूल्हा तलाश कर लो ना। क्या, चुप कर, बहुत बोलने लगा है, चल अंदर। अरे रे, तुम लोग कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ओ बारात दुल्हन तक करने जाएगी तो और किथे जाएगी? दुल्हन के घर? अहो कौन सी दुल्हन, किसकी दुल्हन?
मेरी दुल्हन। तुम तो वही हो ना घोड़े पर उस दिन? उस दिन मैं घोड़े पर आया था, आज घोड़ी पर आया हूँ। उस दिन दुल्हन को देखा था, आज दुल्हन को लेने आया। ए ठंडे ठंडे वापस लौट जाओ, और ये नौटंकी के जो कपड़े पहने हैं ना वो भी उन्हें वापस कर दो। इस घर में कोई शादी वादी नहीं है। है माँ, मेरी शादी। तुम्हारी शादी? हाँ माँ, ये मुझे लेने आए हैं। देखिए माँ जी, मैं समझाता हूँ। ज्योति मुझे पसंद करती है, मैं ज्योति को पसंद करता हूँ, नतीजा शादी। लेकिन ये सब कुछ आपके आशीर्वाद के बगैर अधूरा। चल चल पीछे हट, जबरदस्ती गले पड़ता है। कान खोल कर सुन ले, जीते जी मैं शादी नहीं होने दूंगी। वैसे हमारी शादी हो चुकी है कोर्ट में, ये रहा सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट बाकी जरा देख दो। ये तो बिल्कुल ठीक है दीदी। क्या? हाँ। दीदी, बेटियों को बिता करते समय ऐसी मनुष्य बातें नहीं करते दीदी। चल चुप कर। अरे कम से कम अपने भविष्य के बारे में तो सोचा होता। तू जानती नहीं साल दो साल में तेरा कितना बड़ा नाम हो जाता। लेकिन अब उस म्यूजिक डायरेक्टर मोहनलाल को मैं क्या जवाब दूंगी? अरे मूर्ख, एक एक गाने के तुझे हजारों रुपए मिलते। माँ अब मैंने गाना छोड़ दिया है, और रही नाम की बात, इनके नाम के बिना मेरा नाम अधूरा है, और मेरी दौलत इनका प्यार है। माँ हमें आशीर्वाद दो। माँ चलो ज्योति। हाँ हाँ जाओ, लेकिन याद रखना मेरा दिल दुखा के जा रही हो ना तुम भी खून के आंसू रहोगी। दीदी हाँ कह देती हूँ, एक दिन उल्टे पैर मेरे सामने रोते हुए नहीं आई ना तो मेरा नाम भी सौभाग्यवती नहीं। हाँ
ज्योति आइए। आइए डॉक्टर। मुबारक हो, ये माँ बनने वाली है। हाँ हाँ ये माँ। आर यू श्योर? यस। आपको पक्का यकीन है? यस यस। एक बार फिर सोच लीजिए ना। अरे मैं ठीक कह रही हूँ। देखा ज्योति डॉक्टर ने क्या कहा, मैं बाप बनने वाला हूँ। तुम ये बैठा रहो, मैं अभी आता हूँ। मैं मिठाई लेके आता हूँ। लगता है आपके पति खुशी से नर्वस हो गए हैं। देखो देखो तुम बिल्कुल घबराना नहीं, डोंट बी नर्वस। हाँ देखो, और वजनदार चीज मत उठाना, और किचन में ज्यादा देर तक खड़ी मत रहना, और ये चाय है ना, ये चम्मच से आहिस्ता से यू, हाँ चक्कर आ गया, तबीयत खराब हो जाए, बिल्कुल लेट जाना, लाइट ऑन, स्ट्रेट, रिलैक्स, ओके, डोंट बी नर्वस। विशाल, मैं कोई अनोखा काम करने नहीं जा रही हूँ। हर औरत कभी ना कभी माँ बनती है, आखिर तुम इतना नर्वस क्यों हो रहे हो? कौन कहता मैं नर्वस हो रहा, तुम्हें तो वहम हो गया है। जब से तुमने ये खबर सुनी है हर काम उल्टा करते हो। हर काम उल्टा? कौन सा काम मैंने उल्टा किया? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तुम गुस्सा मत करो, क्या गुस्से से ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर से तबीयत खराब हो जाए, लेकिन जल्दी से गोली खा लो। हे भगवान, ये गोली है, ये तो सिरप है, और वो भी खांसी का। आई एम सो सॉरी। हाँ ये लो गोली, खा लो खा लो खा लो, नॉटी गर्ल। अरे मामा। मामा? ओ मामा। अरे जल्दी से गले लग जाओ। मुबारक हो, मुबारक हो, खुशखबरी सुनोगे? जल्दी। अरे खुशखबरी सुनोगे तो तुम्हारी गंजी खोपड़ी पर बालू गाएंगे। बालू गाएंगे तो देर किस बात की, जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल। मामा मैं बच्चा बनने वाला हूँ और मेरे यहाँ बाप होने वाला है। तुम बच्चा बनने वाले हो, तुम्हारे यहाँ बाप पैदा होने वाला है? क्या मतलब, क्या मतलब? अरे मामा इनका मतलब है कि ये बाप बनने वाले हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ, आप लोग खामखा नर्वस हो रहे हैं, इसमें कौन सी नई बात है? नहीं बेटा कोई खास बात नहीं, जब पहली दफा बाप पैदा होता है ना, मेरा मतलब है जब पहली दफा बेटा पैदा होता है तो ऐसी होता है, ऐसी होता है। नर्वस? अच्छा हुआ मामा तुम आ गए, वरना ये तो मुझे पागल ही कर देते। अभी तुम बैठो, मैं चाय बना कर ले आती हूँ। आपकी कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल है, किसी तरह की परेशानी की कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब मुझे अपनी फिक्र नहीं, मैं तो विशाल के लिए परेशान हूँ, वो तो मुझसे भी ज्यादा नर्वस है। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते। ये तो बहुत अच्छा किया कि आप आ गई, बैठिए ना। मैं तो बैठी हूँ। हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ, इनसे मिलिए, ये है मेरा दोस्त का बचपन। ये आजकल बहुत हंसती रहती है, कोई परेशानी की बात तो नहीं ना? नहीं। इनसे आपको मिला, ये मेरे दोस्त का बचपन डॉक्टर शर्मा। विशाल दोस्त का बचपन नहीं, बचपन का दोस्त। हाँ एक ही तो बात है ना। आपकी पत्नी आपके लिए बहुत परेशान है। ये खामखा परेशान होती रहती, जरा नर्वस टाइप है ना। अच्छा बोलिए क्या पीजिएगा, चाय या ठंडा? अरे तुमने पूछा नहीं। हाँ बोलिए बोलिए, चाय पीजिएगा या ठंडा, तकल्लुफ की बात नहीं। इनकार मत कीजिए डॉक्टर, पी लीजिए, आपके बहाने मुझे भी चाय मिल जाएगी। हाँ बहाने में चाय की क्या जरूरत है? ओफो, मेरा मतलब चाय में बहाने की क्या जरूरत है? डॉक्टर जी आप नहीं जा रही ना, ठहरी है ना, तो फिर चाय हो जाए। शर्मा एक काम करो, फिर इसे दो बोतल ठंडी पानी ले आओ, इसी बहाने मुझे भी चाय मिल जाएगी, मैं भी बहुत थका हुआ हूँ। तुम गए नहीं? हरी डॉक्टर शर्मा, आपके दोस्त को चाय से ज्यादा सेडेशन की जरूरत है। डॉक्टर। रोज रात सुबह और दोपहर एक एक टेबलेट देते रहिए। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ डॉक्टर जाइए, आप भी बहुत थकी होंगी, मैं भी बहुत थका हुआ हूँ, इसी बहाने मुझे एक पहले चाय भी मिल जाएगा। तुम गए नहीं? विशाल, विशाल। अरे तुम बोलो मत, बदन को ढीला रखो, मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। क्यों? हाँ ऑटो रिक्शा बहुत झटके आते हैं, आई कांट दिस। हाँ विशाल। मामा मामा उठो उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ, घबराओ मत, बस अभी गए और अभी आए, जल्दी जल्दी करो मामा। अरे जल्दी करो, टैक्सी में पहले टैक्सी में पहन लेना। ठीक है चलो चलो ठीक है, जूते में टैक्सी पहन लेंगे। अरे मामा क्या है बेटा? अरे बाबा मुझे कुछ नहीं हुआ, एक गिलास पानी के लिए इन्हें जगाया था। देखा मामा कुछ नहीं हुआ, आप खामखा नर्वस हो जाते हैं, ये भी कोई बात है? अरे नर्वस के बच्चे, मुझे तीन बार जगाया, मैं तीन बार सोया, फिर तीन बार जगाया और मैं तीन बार सोया। मुझे मालूम है तेरी मामी सपने में आई थी और कह रही थी परमेश्वर। लगता है मुझे खुद ही उठ कर। नहीं नहीं नहीं, तुम आराम से बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। खामखा लोग नर्वस हो जाते हैं। विशाल जल्दी करो। हाँ जल्दी, जरा जल्दी कीजिए ना। होल्ड इट ज्योति, होल्ड इट, घबराओ नहीं। आ गया
अरे घबराना मत, मैं अभी गया, अभी आया। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। ज्योति खोल रहा हूँ ना, ज्योति प्लीज खोल रहा हूँ ना, आगे कुछ गड़बड़ होगी लेकिन मैं कुछ देखता हूँ, मैं करता हूँ कुछ। मुझे मरता हूँ यार। हाँ मुझे नीलू का और निम्मी का और शबला। अरे मेरी बात तो सुनिए। चुप बोलो। देखिए बहुत इमरजेंसी है, मेरी बीवी को क्या बोलो मेरा क्या वही आंखें वही नाक वही जवानी वही सब। ड्राइवर साहब जल्दी से गाड़ी पीछे लगे, खतरा है, माल चला गया। जल्दी जल्दी ना ओ, तुमने एक्सीडेंट करके हमारा गाड़ी तोड़ दिया। ओए खाना खराब की औलाद मक्की का बच्चा, तुमने एक्सीडेंट करके हमारा गाड़ी तोड़ दी। ओए चुप कर ओए, ओए एक तो हमारी गड्डी ठोक दी थी, दूसरा ऊपर से हमको बोलता है तेरा सर। सरदार साहब सुनिए सुनिए मेरी बात तो सुनिए। हट पीछे। अरे मैं आपका पैसेंजर हूँ। पैसेंजर हो या एक्सप्रेस, पहले इसे तो निपट लूं। अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे खामोश चुप। देखिए मेरी बात तो सुनिए, आगे एक्सीडेंट हो गया और ऊपर से आपने गाड़ी ठोक दिया, मेरी बीवी को बच्चा पैदा होने वाला है, बहुत इमरजेंसी है। बच्चे को गोली मारो, गोली मारो। हाँ हाँ हटो, तुम क्या मेरे बच्चे को गोली मारेंगे, तुम्हारा सत्य न जाए, तुम्हारा खाना खराब हो जाए। गोली नहीं दे, छोड़ो वही आंखें वही ना। फिर से आ गया। ओ माय गॉड ज्योति, हम आगे पीछे दोनों तरफ से फंस गए। ज्योति होल्ड डाउन, मैं दूसरी गाड़ी का इंतजाम करता हूँ। ड्राइवर साहब मेरी जो पत्नी है ना वो माँ बनने वाली है। ड्राइवर साहब हेलो, मेरी जो पत्नी है ना वो माँ बनने वाली है। क्या पीएल है ऐसे? तुम्हारी घरवाली माँ बनने वाली है, तुम इधर खड़े ला। दरअसल बात यह है कि वहाँ बहुत ट्रैफिक जैम है, अगर आप मुझे हॉस्पिटल तक ले जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे सेठ गाड़ी में बैठो, मगर तुम्हारी पत्नी है कौन से हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल नहीं नहीं, वो तो आगे गाड़ी में है। अरे तुम भी कैसा आदमी है सेठ, उसको साथ लाना था ना। हाँ साथ ही, राइट। क्या टैक्सी कहाँ गई? अरे भाई साहब, अरे भाई साहब मेरी टैक्सी कहाँ गई, मैं तो ये छोड़ कर गया था। कौन सी टैक्सी? टैक्सी वो जिसमें आप मिस्टर विशाल है। जी हाँ। मुबारक हो, आपको बेटा हुआ है। मेरी पत्नी वो खैरियत से है, लेकिन करने की कोई जरूरत नहीं। आप? मैं डॉक्टर हूँ, मेरी भी गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई थी। अरे अरे ज्योति सुना तुमने लड़का? अरे सुना मैं तो हंसने वाली बातें सुना रहा था, तुम रो रहे हो। गलती हो गई तो सॉरी बोलो। सॉरी पापा। अरे पगले, मैंने तो तुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है, कोई कमी छोड़ी है क्या? नहीं पापा। तो हंस दो, हंस दो ना, चल सो जा। ले बेटे नाश्ता कर ले। लो आ गई। आ गई? रीटा जी आइए आइए। ये आप रीटा जी क्या बुलाते हैं, रीटा नहीं बुला सकते? एनीवे ट्रेन से कुछ घोड़े आने वाले हैं, हमें स्टेशन जाना है। इस वक्त तो जरा मुश्किल है क्योंकि मैं लकी को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ। ओफो विशाल, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेन आने वाली है, पहले ही हम लेट हो चुके हैं, प्लीज कम ऑन। पापा फिर मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आपको मौसी छोड़ाएगी। मौसी आज तुम लकी को छोड़ा ना, वापसी में मैं लेता आऊंगा। नहीं पापा, आज मैं देर से आऊंगा, आज शाम को स्कूल के बाद हमें चैरिटी फंक्शन में ले जा रहे हैं, फिर रात को स्कूल बस ही मुझे घर छोड़ जाएगी। अच्छा अब चलो भी, चलता हूँ। बाय पापा। बाय। विशाल फैसले हाला
पहले कुछ खो गया था बेटे, ऐसे लग रहा है जैसे आज फिर से पा लिया हो। क्या नाम है तुम्हारा? लकी। बड़े प्यारे बच्चे हो। आप भी तो बहुत प्यारी हैं आंटी। थैंक यू। थैंक यू आंटी। कब तक तुम ये सच अपने बेटे से छुपाते रहोगे? आज वो इस शहर में आई है, कल वो उसके दिल तक पहुंच जाएगी। नहीं मौसी, नहीं। लकी के दिल में मेरा प्यार बसा है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। कुछ नहीं बेटे, इतनी देर से तुझे देखा नहीं था ना। चल चल अंदर चल। पापा, आज फंक्शन में एक आंटी आई थी, उन्होंने बहुत अच्छा गाना गाया, सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। अगर तुम वहां होते तो तुम भी आंटी को देखते ही रह जाते, बहुत प्यारी है वो। और अपने स्कूल की तरफ से उन्हें गुलदस्ता देने के लिए मुझे चुना गया था। अरे पापा, सुन भी रहे हो या नहीं? वो आंटी तुम्हें बहुत अच्छी लगी। हाँ? अपने पापा से भी ज्यादा? मेरे पापा से ज्यादा अच्छा तो कोई है ही नहीं। एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पापा से ज्यादा तुम्हें कोई प्यार करे तो तुम अपने पापा को भूल जाओगे? कैसी बातें करते हो पापा, तुमसे ज्यादा मुझे कोई प्यार कर सकता है? सच? हाँ पापा, एक जान दो जिस्म कभी अलग हुए हैं क्या? समझ गया? समझ गया बॉस। तो बस तैयार हो जाओ। सुनिए भाई साहब, ये क्या बदतमीजी है? छोड़ दो इन्हें। कौन है बे तू? अभी बताता हूँ। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? आप न आते तो न जाने। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। वाह साहब वाह, क्या मारा है गुंडों को, आप तो अमिताभ बच्चन से कम नहीं लगते। अरे लकी बेटे, तुम यहाँ कैसे? आंटी इधर से गुजर रहा था, अचानक कुछ शोर सुना, आकर देखा यहाँ तो बहुत गड़बड़ चल रही थी। हाँ लकी बेटे, अगर ये वक्त पर न पहुँचते तो न जाने क्या हो जाता। देखिए अब मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी, आप अंदर चलिए, एक कप चाय पीकर ही जाएगा प्लीज। अब आप कह रही हैं तो भला मैं कैसे इनकार कर सकता हूं। थैंक यू वेरी मच। लकी बेटे तुम ही चलो, आ जाओ। अबे ओ, बहुत ड्रामा हो गया, अब जा यहाँ से। क्या मतलब? लकी बेटा क्या बात कर रहे हो, इन्होंने तो मेरी मदद की है। नहीं आंटी, ये आपके घर में चोरी करने का प्लान बना रहा था, वो सब गुंडे इसी के आदमी थे, मैं सब सुन रहा था। क्या बकता है? बकता नहीं, दिखाता हूँ। चल हीरा शुरू हो जा। अरे अरे क्या कर रहे हो बेटे? क्यों डर गया क्या? ज्योति जी बताइए ना। आंटी से क्या बात करता है, मुझसे करना। चोरी करने आया था मेरा बाप, अब तो माफ कर दे बाबा।
गया डरपोक कहीं का। लकी बेटे तुम तो बहुत बहादुर बच्चे हो। मेरे पापा मुझसे भी ज्यादा बहादुर अच्छा? हैं। अगर वो होते तो उसे भागने ना देते, पॉपकॉर्न बना देते उसका। चलो अंदर चले। आप यहाँ रहती हैं? हाँ। और मैं तो समझा कि आप वापस चली गई। मेरे कुछ प्रोग्राम्स हैं शहर में, इसलिए थोड़े दिन मैं यहीं रहूंगी। चलो चले। बात ये है आंटी कि मैं लड़कियों से जरा दूर ही रहता हूँ। अरे अरे अरे, लेकिन आपकी बात कुछ और है। चलिए। शरीर कहीं का। चलो। अरे गणेशन। यस मैडम। हमारे इस नन्हे से मेहमान के लिए कुछ खाने को ले आओ जल्दी। हम अभी लाता जी। क्या देख रहे हो लकी बेटे? आंटी मैं सोच रहा हूँ कि मेरे बजाय आपका नाम लकी होना चाहिए था। वो क्यों? इतना शानदार घर, लंबी गाड़ी, इतनी इज्जत, क्या नहीं है आपके पास? बेटे ये सब हासिल करने के लिए मैंने बहुत कुछ खोया है। खैर ये बताओ बेटे, तुम अकेले घूमते रहते हो, तुम्हें डर नहीं लगता? डर किस बात का, फिर पास ही में तो घर है मेरा। अच्छा बेटे ये बताओ, तुम्हारी मम्मी तुम्हें अकेले बाहर जाने से रोकती नहीं? मम्मी? मम्मी तो है ही नहीं, सिर्फ पापा हैं, वो भी दिन में काम पर चले जाते हैं और मैं अकेला रह जाता हूँ। अच्छा बेटे तुम ऐसे किया करो, जब भी दिल चाहे मुझसे मिलने आ जाया करो। ओके? अब तो आ ही सकता हूँ ना, हमारी दोस्ती जो हो गई है। अरे पक्की दोस्ती है ना। हीरा यार, आज तूने बदमाशों को खूब भगाया, इसी बहाने ज्योति आंटी से भी मुलाकात हो गई। आंटी है बहुत अच्छी। अरे यार मैं बोलता चला जा रहा हूँ और तू मुंडी भी नहीं हिलाता। तुझे भूख लग रही है? यार भूख तो मुझे भी लग रही है। ठहर मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ। अरे ये रोटियां कहाँ गायब हो गई? जल्दी जल्दी खा हीरा, मौसी ने कहीं मुंह चलाते देख लिया तो दो दिन खाना नहीं देगी। ले जल्दी खा। क्यों रे ये क्या हो रहा है? हीरा को बहुत भूख लगी थी मौसी। तेरा पापा भी भूखा होगा, उसके लिए रोटियां बनाई थी, तूने इस मोई को खिला दिया। काम तो करता नहीं, बेकार का अनाज खाता रहता है। आने दे तेरे पापा को, उसे कहती हूँ इसे बेच कर एक भैंस ले आ। अब तुम्हारे होते हुए भैंस की क्या जरूरत है मौसी? बदमाश मुझे भैंस कहता है, मुझे भैंस कहता है। अभी तुझे मजा चला है। रोटी जल रही है मौसी। यार हीरा मौसी बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, खुद बूढ़ी हो गई है तो खाना भी बूढ़ा पकाती है। कब तक वो पापा के लिए रोटियां पकाती रहेगी? मैं सोचता हूँ पापा का टाका कहीं फिट कर देना चाहिए। वैसे ज्योति आंटी मुझे बहुत पसंद आई, क्या ख्याल है तेरा, कैसी रहेंगी आंटी पापा के लिए? अरे भाई गधे और घोड़े में क्या प्लानिंग चल रही है? एक लड़की के बारे में बात कर रहा था। लड़की? अभी से? हाँ बेटा अभी बहुत छोटे, जरा बड़े। अपने लिए नहीं आपके लिए बंदोबस्त कर रहा था। ओ यानी कि मेरे लिए लड़की आप ढूंढ रहे हैं? दोस्त जो ठहरा, और फिर इस घर के बारे में और तो कोई सोचता नहीं ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है दोस्त? मौसी बूढ़ी हो गई है। हाँ? तुम आज तक मेरी देखभाल करते आए हो, अब तुम्हारी देखभाल करने के लिए कोई चाहिए नहीं। लेकिन क्यों? लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जब भी मुझे कोई लड़की पसंद आएगी मैं उसे घर ले आऊंगा। हाँ अच्छा बाबा, अच्छा ले आना। अब जरा चलकर कुछ थोड़ा सा खाए, भूख लगी है। कम ऑन लेट्स गो। वाह 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 वाह, क्या कंपोजिशन है, क्या धुन है, क्या तड़प है, वाह वाह वाह। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि मेरी जगह आपको म्यूजिक डायरेक्टर होना चाहिए। सोनलाल जी, जिंदगी की सरगम में कुछ सुर ऐसे भी होते हैं जो अपने आप उभर आते हैं, जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। वाह 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 वाह। अच्छा आपको याद है ना आज आपकी रिकॉर्डिंग है? जी हाँ मुझे याद है। आप बैठिए चाय पीजिए, मैं अभी आती हूँ। जी
गणेशन, अरे ओ गणेशन, ये सब कौन है? अरे कहाँ मर गया गणेशन? वानकम सर, संगीतकार मोनलाल जी, सोनलाल जी, आपने हमको बुलाया जी। महाशय, चाय नहीं पिलाओगे? अभी पिलाता हूँ जी। इन्ना सर, हमारा गाना सुनो जी। हम ट्रिचरा पल्ली का किशोर कुमारम जी। युडले थी, ओडले थी, युडले। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा गाते हो। थैंक यू सर। अच्छा इधर आना, आप इधर आना। एक बात बताओ, तुम्हारी मालकिन हमें पसंद करती है या नहीं? अय्या, दूध में मक्खी जे। क्या? नो 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 सर, किचन में दूध नंगा पड़ा जे, मक्खी गिर जाएगा जे। मालकिन तुमको बहुत लाइक करता है जी, बहुत लाइक करता है जी। गणेशा जी, हम चाहते हैं इस घर में खुशियां ले आए। मैं चाय ले आ। लगता है ये शत्रुमुख ज्योति आंटी पर डोरे डाल रहा है। अगर ऐसा हो गया तो मेरे तो सारे प्लान खराब हो जाएंगे। ये किस बदतमीज़ ने मारा? गणेशन, गणेशन। ये सर, ये कटोरी तुमने मारी? अय्या मुर्गा, हम तुमको कैसे मारेगा जी, तुम इतना बड़ा संगीतकार जी। बदतमीज बेहुदा, अगर तुम्हारी मालकिन से शिकायत कर दी तुम्हें एक मिनट में यहाँ से निकाल देगी। ना सर, मालकिन को मत बताना जी। ठीक है, कान छोड़ो और चाय लेके आओ। अभी लाते हैं। और सुनो, ये कटोरी भी लेके जाओ, अब नहीं मारना। नैन से नैन मिलाए रखना, बलमा नैन से नैन मिलाए रखना, बलमा नैन से नैन मिलाए नैन। आखिर तू चाहता क्या है? कुछ नहीं जी। पहले तूने मुझे कटोरी मारी। नहीं मारी जी। मारी? नहीं मारी। तूने ये गर्मा गर्म चाय मुझ पे फेंकी। नहीं फेंकी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तेरा गला दबा दूंगा। ये तो बड़ा झूठ है, इसे नहीं मानेगा। चोरी चोरी चुपके चुपके दिल की बगिया में, कौन आता कौन आता? चोरी चोरी चुपके चोरी चोरी चुपके चुप चोरी 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 चो चलिए मोहनलाल जी। अरे लकी, तू मोहनलाल जी कहाँ गए? वो पट्टी दुबले से। हाँ वही, वो तो घोड़े पर बैठ के कहीं जा रहे थे। घोड़े पर बैठकर? हाँ आंटी, मैंने उन्हें रोका भी पर वो नहीं रुके, लगता है बहुत जल्दी में थे। अजीब बात है, अजीब बात है। आपने बताया नहीं, आप अचानक आ गए, कुछ खास काम था? आज तो मुझे कुछ काम नहीं है, मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ। जरा रुक तो ही रहा। लेकिन तुम इतने नर्वस क्यों हो रहे? नर्वस? कहाँ नर्वस हो रहा हूँ। आखिर ये लड़की पापा पर इतनी मेहरबान क्यों है?
इतना सुहाना दिन घर में बैठकर जाया नहीं करते। मौसम कितना रोमांटिक है, चलो कहीं आउटिंग पर चलते हैं। रीटा जी, इस वक्त जाना नामुमकिन है, इट इज इम्पॉसिबल। प्लीज। हेलो पापा। हेलो हेलो बेटे। आंटी। हेलो आंटी। हेलो बेटे, आप कहीं जा रहे थे पापा? जा रहे थे? हाँ, नहीं तो हम तो रीटा आंटी को यही समझा रहे थे कि हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। चलो अब तो आ गए, तसल्ली हो गई। डार्लिंग, हम आपके पापा को 2-3 घंटों के लिए आपसे चुरा कर ले जा सकते हैं। अकेले घबरा तो नहीं जाओगे? पापा से ही पूछ लो ना। ओफो, अपने पापा की जान कभी कभी छोड़ भी दिया करो ना, तुमने तो इन्हें कोलू का बैल समझ रखा है। नहीं रीटा जी, ऐसा मत कहिए, हम दोनों बाप बेटे नहीं बल्कि दोस्त भी हैं, और इसकी कंपनी को मैं दुनिया की हर चीज से ज्यादा पसंद करता हूँ। बेटे आप आंटी के साथ गपशप मारो, मैं एक फर्स्ट क्लास चाय बनाकर लाता हूँ। विशाल, औरत के बिना जिंदगी तुम्हें फीकी फीकी सी नहीं लगती? लगती तो है, लेकिन लकी के प्यार से मीठी कर लेता हूँ। आप शक्कर कितनी लेंगी? एक चम्मच। एक चम्मच। शक्कर 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 शक्कर, नमक नमक नमक, हल्दी, शक्कर। अरे भाई शक्कर कहाँ? अरे भाई लकी, बस तू कुछ ना कुछ यार गड़बड़ करता रहता, बस आ शक्कर। इतनी बढ़िया चाय तो आपको बड़े से बड़े होटल में भी नहीं मिलेगी। चाय बनाने में मैं तो एक्सपर्ट हो गया हूँ। लीजिए, ट्राई कीजिए। थैंक यू। क्यों पसंद नहीं आई? जी नहीं, बहुत अच्छी है। तो फिर पीजिए ना। पीती हूँ। अरे पापा, आपको तो मेहमान नवाजी भी नहीं करने आती। क्यों, क्या हुआ? आंटी को चाय के साथ कुछ बिस्किट बिस्किट नहीं खिलाओगे? ओह ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, यस। अरे दोस्त, ये रीटा जी ऐसे कैसे चली गई? हाँ कहीं तुमने तो कुछ। पापा ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, यहाँ क्यों आती है? मजबूरी है बेटा, मुझे भी अच्छी नहीं लगती, मैं थोड़ी बुलाता हूँ, वो तो खुद आती है। अब देखना, अभी अपना पर्स छोड़ गई, फिर आएगी दोबारा लेने। अब नहीं आएगी वो। तो क्या उसने तुम्हारे पापा से शिकायत नहीं की? वो आएगी तो शिकायत करेगी ना आंटी। अच्छा भाई देखो, तुमने उसके साथ जो सुलूक किया ना, वो अच्छा नहीं है। हाँ आप नहीं जानती आंटी, वो तो मेरे पापा के पीछे पड़ गई है। अच्छा, वो उनसे शादी करना चाहती है। तो क्या हर्ज है, अगर अच्छी लड़की है तो करवा दो ना शादी। नहीं आंटी नहीं, मैंने तो उनके लिए कुछ और ही सोच के रखा है। बहुत प्यार है तुम्हें अपने पापा से। आप देखेंगी ना तो आपको भी प्यार हो जाएगा उनसे। उल्लू कहीं के, छोटे बच्चे ऐसी बातें नहीं करते। आंटी मैं छोटा जरूर हूँ लेकिन बहुत समझदार हूँ। आंटी आप भी अकेली हैं, मेरे पापा भी अकेले हैं, आप उनसे मिलिए ना। नहीं बेटे, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन पर सिर्फ एक ही बार बाहर आती है। मुझ पर जो बाहर आनी थी वो आ चुकी, आप कभी नहीं आ सकती। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं आंटी, एक बार मिलने में तो कोई बुराई नहीं। अच्छा एक बार मिलाना चाहते हो तो ले आओ उन्हें। थैंक यू आंटी। जब कुत्ता पागल होकर मालिक को काटने लगे तो उसे गोली मार दी जाती है। तुम फिक्र मत करो रीटा, उसे आने दो और फिर देखो तमाशा। तुम हिलाकर अगर उसने तुम्हारे पांव ना चाटे तो मुझसे कहना। ओ आ गए। यस सर, आपने मुझे बुलाया सर। विशाल साहब, एक जमाना था जब आप रेस की दुनिया की बहुत बड़ी हस्ती समझे जाते थे, चैंपियन जॉकी थे आप, लेकिन आप ये मत भूलिए कि आज
आप मेरे एक मामूली से नौकर हैं। मैं जानता हूं सर, इस बात को मैं कभी नहीं भूला। तो फिर तुम ये कैसे भूल गए कि रीटा मेरी बहन है, वो तुम्हें इज्जत बख्शने तुम्हारे घर गई और तुम्हारे बेटे ने उसके साथ क्या सुलूक किया जानते हो? लेकिन ना समझ है, बच्चा है वो। वो बच्चा नहीं, शैतान है। देखिए आपको जो कुछ भी कहना है मुझे कह लीजिए, लेकिन मैं अपने बच्चे की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम भी अपनी बहन की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हारे बेटे ने रीटा की बेइज्जती की है और उसे रीटा के कदमों में सर रखकर माफी मांगनी पड़ेगी। मेरा बेटा किसी के पांव में सर नहीं रखेगा और ना ही किसी से माफी मांगेगा। अगर यहाँ नौकरी करनी है तो हमारी यही शर्त है। अगर आपकी यही शर्त है तो आपकी नौकरी आपको मुबारक हो। जिससे मेरे बेटे का सर झुकता हो, तौहीन होती हो, तो लानत है ऐसी नौकरी पर। देखा देखा इसका दिमाग। चलो भाई हम तैयार हैं, चला जा। चिलकर खुद ही देख लेना, तुम्हारा दोस्त हूँ, अच्छी जगह ले जाऊंगा। चलो। ऐसे क्या हो गया है तुम्हें पापा, ऐसे फटीचर कपड़ों में चलोगे? फटीचर? ये तो बहुत अच्छे कपड़े हैं भाई। यार पापा मेरा नाम बदनाम कराओगे क्या? नहीं मैं तुम्हारा नाम क्यों बदनाम कराऊंगा भाई। देखो पापा, जब किसी खास आदमी से मिलने जाते हैं तो कुछ अच्छे कपड़े पहनकर जाते हैं। चलो उतारो इन्हें। ओके ओके। अब हुई ना बात। एक मिनट ठहरो। परफ्यूम। बस यार बस, ये तो मेरे सर पर चढ़ गई। जहाँ मैं ले जा रहा हूँ वहाँ सारी उतर जाएगी। क्या? चलिए देर हो रही है। ओ चलो। ये देखो पापा, बंगला तो बहुत शानदार है। पापा अभी तो आपने देखा ही क्या है, बंगले वाली तो इससे भी ज्यादा शानदार है। अच्छा तो बुला भाई। अभी बुलाता हूँ। आंटी आंटी। लकी। लकी तुम जरा बाहर जाओ। ओके पापा। लकी लकी मेरा बेटा है। लकी अब लकी से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। नहीं विशाल। विशाल लकी लकी मेरा बेटा है। नहीं नहीं लकी तुम्हारा बेटा नहीं, मेरा बेटा है। आज तुम मां होने का दावा कर रही हो ना, उस वक्त कहां थी जब लकी तुमसे बिछड़ कर बिलक बिलक कर रो रहा था? उस वक्त तुम कहां थी जब रात भर जाकर मैं उसे दूध पिलाया करता था, उसके गंदे कपड़े अपने हाथों से धोया करता था? उस वक्त तुम कहां थी? मैंने लकी को कहां कहां नहीं ढूंढा विशाल, लेकिन तुम उसे मेरी दुनिया से चुरा कर किसी और ही दुनिया में लेकर चले गए। हाँ मैं ले गया था उसे, क्योंकि तुम्हारी दुनिया में पैसे की हवस थी, सोने और चांदी के महल थे, और मैं नहीं चाहता था कि उन बंद महलों में मेरे बेटे का दम घुट जाए। और आज भी मैं ये नहीं चाहूंगा कि तुम्हारे माहौल का गंदा साया भी उस पर पड़े। तुम नहीं जानते विशाल कि मैं लकी के प्यार के लिए कितना तड़पी हूँ। प्यार तुम्हें लकी से नहीं, प्यार तुम्हें झूठी शान और शौकत से जिसे तुमने पा लिया है। ममता मोहब्बत प्यार सब कुछ कुर्बान कर दिया तुमने अपने शौक के लिए। अब तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं, ना मुझसे ना लकी से। मुझे सिर्फ एक बार उसे अपने सीने से लगा लेने दो, आखिर मैं उसकी माँ हूँ, मैंने उसे जन्म दिया है। माँ सिर्फ जन्म देने का ही नाम नहीं होता है, उन दुखों को झेलने का नाम है जो एक औरत अपने बेटे को पाल कर झेलती है, और वो तमाम दुख मैंने सहे हैं। इस नाते से लकी के माँ और बाप दोनों मैं हूँ। तो क्या तुमने उसे मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? बताया है कि तुम मर चुकी हो, और ये झूठ मैं जिंदगी भर निभाऊंगा। मैं दिल तू धड़कन
नहीं किया बेटा, तुम्हें इस तरह उसे जलील नहीं करना चाहिए था। तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रही हो मौसी? अब इस घर की किसी भी चीज पर उसका कोई हक नहीं है। औलाद घर की बेजान चीज नहीं होती बेटे, मर्द हो ना, माँ की ममता को नहीं समझ सकते। कह जो दिया मौसी, मैं उसका मनु साया भी लकी पर पढ़ने नहीं दूंगा। लेकिन क्यों? लकी उसका भी तो बेटा है। आखिर ऐसा कौन सा कुसूर किया है उसने, ऐसा कौन सा जुर्म किया है जिसके लिए इतनी बड़ी सजा दे रहे हो उसे? ये तो जिस पर गुजरती है वही जानता है मौसी। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनसे कोई मर्द समझौता नहीं कर सकता। आप बिल्कुल फिकर मत कीजिए ज्योति जी, आपके पति देव को हम मना लेंगे। किस बात के लिए आप मनाना चाहते हैं मुझे? विशाल, ये वही म्यूजिक डायरेक्टर है जिनके बारे में मैंने आपसे बात की थी ना, मोहनलाल जी। मोहनलाल सोहनलाल, टू इन वन। तो आप लोग मेरी पत्नी से फिल्मों में गाना गवाना चाहते हैं? बेशक, अपनी हर फिल्म में गाना गवाएंगे, है ना? और एक नहीं, कई गाने गवाएंगे। क्या आवाज है, क्या सुर है, क्या। देखिए मिस्टर मोहनलाल एक्सेट्रा। एक्सेट्रा नहीं, मोहनलाल सोहनलाल टू इन वन। विशाल, मैंने तो उनको मना कर दिया था, साफ कह दिया था कि आपको मेरा गाना पसंद नहीं, नहीं। लेकिन ये लोग नहीं माने और फिर मम्मी ने इनसे एडवांस भी ले लिया है। देखो ज्योति, तुम मेरी पत्नी हो, कोई गाने बजाने वाली नहीं हो कि पैसा फेंको और तमाशा देखो। देखिए आप लोग जाइए यहाँ से। साहब जरा तमीज से बात कीजिए आप। आप कौन होते हैं मुझे तमीज सिखाने वाले? अरे बड़ी कैसी बात करता है तुम, कैसे जाएगा हम यहाँ से? हम कोई भीख नहीं मांगता है, तुमसे डेट मांगता है। 2000 रुपया रोकड़ा दिया है मम्मी को। ये लो, एंड नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर। विशाल, आइंदा इस तरह के लोग इस घर में ना आए। ज्योति, क्यों ना आए? वो क्या बुराई थी उनमें? यही कि उन्हें मेरी आवाज पसंद है, वो मेरी कला के दीवाने हैं। शर्म आनी चाहिए विशाल तुम्हें, घर आए हुए मेहमानों के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए कि घर की बाइज्जत जिंदगी छोड़कर एक गाने बजाने वाली बनना चाहती हो। भांड मरासियों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। क्या बात है शर्मा? तुम लोग भी कमाल के माँ बाप, बच्चे को 104 डिग्री बुखार है। 104? और उसको नौकरानी के ऊपर छोड़कर चले गए। अरे जब बच्चा पैदा किया है तो उसकी कोई जिम्मेदारी भी तुम पर आयद होती है। अगर उसको निमोनिया हो जाता तो? खैर फिलहाल मैंने इंजेक्शन दे दिया है, अगर मेरी जरूरत पड़े तो बुला लेना। थैंक यू। मालकिन कहाँ? जी वो तो सुबह से बाहर गई हैं। बाहर गई कहाँ? आज उनके गाने की रिकॉर्डिंग है। गाना गा लेने दो विशाल। मैं कहता हूँ चलो। प्लीज विशाल, समझने की कोशिश करो, सारा अरेंजमेंट हुआ है, कितने सारे लोग आए हुए हैं। प्लीज विशाल, प्लीज विशाल, क्या कर रहे हो? सब लोग देख रहे हैं, मेरी बात तो सुनो। ज्योति जी, अरे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मेरी रिकॉर्डिंग का क्या होगा? ज्योति जी मेरी बात सुनिए। ज्योति जी देखिए, मेरी रोकिए, अपनी बेटी को रोकिए सौभाग्यवती जी, वरना मैं तबाह हो जाऊंगा। देखो इसे, आज तुम्हारे गाने का शौक तुम्हारे बच्चे की जिंदगी से ज्यादा हो गया है। हाँ जब मैं गई थी बिल्कुल ठीक था ये। मैं पूछता हूँ मेरे मना करने पर भी तुम क्यों गई? मना किया था तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई नौकरानी नहीं जो इस तरह मुझे रिकॉर्डिंग थिएटर से घसीट कर ले आए। हर वक्त अपनी इज्जत करते रहते हो, मैं पूछती हूँ मेरी भी कोई इज्जत है या नहीं? हाथ उठाया विशाल, तुमने मुझ पर हाथ उठाया। मैं तुम्हारे पैर की जूती नहीं, एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की हूँ। मेरे भी अपने अधिकार हैं, अपनी हैसियत है। तुम्हारी हैसियत इस घर में सिर्फ माँ और पत्नी की है, इससे और ज्यादा कुछ बनने की कोशिश मत करो। जलते हो तुम मुझसे। मैं जलता हूँ? हाँ हाँ हाँ, तुम जलते हो। तुम्हें डर है कि मेरी शौहरत कहीं उस ऊंचाई तक पहुँचने जाए जहाँ तुम्हारी हंसी बहुत छोटी पड़ जाए, मेरी आमदनी तुमसे बढ़ न जाए। आज आज मैं तुम्हारी पत्नी के नाते जानी जाती हूँ। तुम डरते हो कि
कि कहीं कल तुम मेरे पति के नाम से पहचाने न जाओ। हाँ हाँ, मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे पीठ के पीछे ये कहें कि वो देखो एक गाने वाली का पति जा रहा है। लेकिन मैं फैसला कर चुकी हूँ, मैं गाऊंगी और जरूर गाऊंगी। तो मेरा फैसला भी सुन लो, ये घर या गाना बजाना, दोनों में से एक को चुनना होगा। तो ठीक है, मैं माँ के घर जा रही हूँ, गुस्सा ठंडा हो जाए तो आ जाना। ठहरो, हाथ मत लगाओ मेरे बच्चे को। तुम्हारा बच्चा? ये मेरा बच्चा है, मैंने जन्म दिया है इसे, मेरा दूध पीकर पल रहा है ये, मैं इसकी माँ हूँ और बच्चे पर माँ का अधिकार ज्यादा होता है। रोक सकते हो मुझे? ठहरो ज्योति, अगर तुम इस चौखट से बाहर गई, आज जहाँ ये चौखट है कल वहाँ तुम्हारे लिए दीवार बन जाएगी। अरे तू होता कौन है मेरी बच्ची को धमकाने वाला? हा? मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। अरे सोचती क्या है बेटी, मेरी बात कान खोल कर सुन ले, तू इस घर में नौकरानी बनकर नहीं रहेगी, भगवान का नाम लेकर फलांग जाए चौखट, समझी? चल मेरे साथ, चल देखती क्या है, चल। देखा देखा मेरी बात न मानने का नतीजा? अरे मैं सौतेली हूँ तो क्या हुआ, हूँ तो तेरी माँ, मैं तो पहले से ही जानती थी यही होने वाला है एक दिन, और लुटो लाओ मैरिज के मजे। अब बस भी करो माँ। बस कैसे करूँ, वो थप्पड़ तेरे मुंह पर ही नहीं मेरे दिल पर भी मारा है उस तलमुए ने। मेरी बात पल्ले बांध ले, चाहे वो कान पकड़े या नाक रगड़े, तू उसके पास नहीं जाएगी, समझी? चार दिन में बच्चों के होश ठिकाने आ जाएंगे। मुनि का कंबल कहाँ गया? और उसके बाद उन्होंने पुलिस को मेरे पीछे लगा दिया। अब तुम ही बताओ मौसी, मैं क्या करता? समझौता करते, अपने लिए नहीं अपने बेटे के खातिर आपस की दूरियां मिटा देते, तुम्हारी जरा सी जिद के खातिर लकी की जिंदगी अधूरी से बनकर रह गई है। हाँ तुम तो हमेशा की तरह मुझे दोष दोगी, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या पूरा कसूर मेरा ही था? नहीं बेटे नहीं, कुछ उसका कुछ तुम्हारा और कुछ हालात का, लेकिन डरती हूँ तुम्हारे किए की सजा लकी को न भुगतनी पड़े। अच्छा बेटा, शाम को लेना आ जाऊँ। ओके पापा। ओके। हो गया, प्लीज जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाइए। आप मेरे साथ आइए पापा, ऑपरेशन थिएटर में ले जाइए। अच्छा आप जरा इधर आइए, यहाँ साइन कीजिए पापा। पापा दर्द हो रहा है पापा, पापा पापा बहुत दर्द हो रहा है पापा, पापा। घबरा नहीं बेटे, अभी ठीक हो जाएगा। शाबाश बेटे। तुम क्यों आई हो? लकी अब कैसा है? कौन लकी? मेरा बेटा। वो तुम्हारा बेटा नहीं है। मुझे एक बार अपने बच्चे को देख लेने दो विशाल। हरगिज नहीं, तुम्हारी एक नजर पड़ी और उसे हॉस्पिटल लाना पड़ा, मेरे जीते जी तुम्हारी दूसरी नजर उस पर नहीं पड़ेगी। मैं उसकी माँ हूँ, जब तक उसे देखा नहीं था उसे महसूस नहीं किया था, उसके बिना जीने की सजा काट रही थी, लेकिन अब तुम उसकी कुछ नहीं लगती।
मैं तुम्हारे लकी की कुछ नहीं लगती, लेकिन तुम्हारा लकी मेरा बहुत कुछ लगता है। तुम्हारे पास जीने के पास से सारे हैं ज्योति, लेकिन मेरे पास सिर्फ मेरा लकी है। मेरे पास जो है तुम ले लो, लेकिन मुझे मेरा लकी लौटा दो। लकी कोई बिकाऊ चीज नहीं है ज्योति, लकी मेरा दिल है, और इंसान के सीने में से अगर उसका दिल निकाल दिया जाए तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। लकी अब मेरी भी जान बन चुका है विशा, उसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। दुनिया की कोई भी ताकत लकी को मुझसे नहीं छीन सकती। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ विशा। नहीं, आज तुमने बेदर्द की सारी हदें तोड़ दी हैं विशाल, मत भूलो कि मैं भी एक माँ हूँ और लकी मेरा बेटा। अब उसे अपनाने का हक मुझसे भी कोई नहीं छीन सकता। आज तक मैं उसके लिए तड़पती रही हूँ, लेकिन अब तुम्हें पता चलेगा कि बेटे की जुदाई का दर्द कैसा होता है। उठो बेटा, दूध पी लो। बस चलो बेटा सो जाओ, एक घंटे बाद आपको जूस देना। पापा तुम्हारी घड़ी कहाँ है? घड़ी वो भी बीमार होगी, डॉक्टर के पास भेजी। डॉक्टर के पास? रिपेयर के लिए। चलो सो जाओ। ऐसे कब तक घर की चीजें बेच बेच कर गुजारा करो? नौकरी के बिना कैसे चलेगा? आज राशन वाला आया था, कल लकी की फीस भरनी है। आखिर तुम उसे किसी सस्ते स्कूल में क्यों नहीं डाल देते? यूं पैसा जाया करने की क्या जरूरत? मौसी कितनी बार कहा कि ऐसी बातें मत किया करो, लकी मेरा शहजादा बेटा और मैं उसे शहजादों की तरह पालूंगा। बस एक बार उसे ठीक हो जाने दो, देखना लाखों कमाऊंगा मैं। पोस्टमैन विशाल साहब, ये रजिस्ट्री है आपके नाम। ये क्या है बेटे? नोटिस है कोर्ट का, बड़ी वकालत किया करती थी ना उसकी, केस कर दिया उसने मुझ पर। केस? कैसा केस? लकी पर हक जता है, छीन लेना चाहती है मेरा बेटा मुझसे। अब क्या होगा बेटे? कुछ नहीं होगा मौसी, अगर ज्योति को अपनी दौलत पर नाज है तो मैं भी लकी की खातिर बड़े से बड़ा वकील करूंगा। यस नहीं भाई, कल का कह दो। चलो ठीक है, भेज दो अंदर। नमस्ते, कहिए क्या काम है? एक केस के बारे में आपकी राय लेनी थी। कैसा केस? मेरा बच्चा, मेरी बीवी जो मुझसे अलग हो चुकी है, वो मेरे बच्चे को मुझसे छीन लेना चाहती। बच्चे की उम्र क्या है? 7 साल। अरे भाई, फैमिली लॉज की तमाम बातें आपके फेवर में है, ये काम तो कोई भी वकील कर सकता है, हमारे पास आने की क्या जरूरत थी? उसके पास बहुत पैसा है सर, आपने मशहूर सिंगर ज्योति का नाम तो सुना होगा। ऑफ कोर्स, उसे कौन नहीं जानता? वही है मेरे बेटे लक्की की माँ। आई सी, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, बैठिए। लोगों से पता चला कि आपसे बेहतर इस केस को कोई नहीं लड़ सकता। और लोगों ने यह भी बताया होगा कि मेरी फीस? आपकी जो भी फीस होगी मैं दूंगा, लेकिन लकी मेरे हाथ से नहीं निकलना चाहिए। नहीं निकलेगा। फिलहाल आप एक काम कीजिए, मेरे सेक्रेटरी से कल शाम का टाइम ले लीजिए और 10,000 रुपये एडवांस लेते आइए। ओके। ये लीजिए आपका लाइसेंस, अब आप रेस में हिस्सा ले सकते हैं। थैंक यू सर। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि अचानक इतने सालों बाद आप? जरूरत एक बार फिर मुझे इस मैदान में ले आई, आप तो जानते हैं यही मैदान कभी मेरी जिंदगी था। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। विशाल, आप
भाई हमें जानकर ये बहुत खुशी हुई कि तुमने दोबारा रेस में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया है। इस नई जिंदगी की शुरुआत तुम हमारे घोड़े से क्यों नहीं करते? आज मुझे आपके सहारे की जरूरत नहीं। लगता है हमसे अब तक नाराज हो। भाई हमने तो अपना हक समझकर कहा है। हक तो आपने उसी दिन अदा कर दिया था जिस दिन आपने मुझे नौकरी से निकाला था। एक बात याद रखिए सेठ, मैं जब भी राइडिंग करूंगा घोड़ा आपका नहीं होगा। गुड बाय। ये लो, और याद रहे कि विशाल का घोड़ा किसी भी कीमत पर नहीं जीता चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए सर, आज के बाद विशाल सवारी के काबिल ही नहीं रहेगा। ये सर एक्सरे रिपोर्ट, हेयर लाइन कराए गए सर, पेशेंट रिपोर्ट ही लीजिए। ओह माय गॉड, पेशेंट को ऑपरेशन के लिए तैयार किया? यस सर। कम ऑन लेट्स गो, हरी अप, हरी अप। कंप्लेनेंट ज्योति शर्मा वर्सेस मिस्टर विशाल। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट ने अपने इकलौते बेटे की कस्टडी के लिए दरखास्त पेश की है। दलीलों से मैं ये साबित कर सकती हूं कि बच्चा बाप के बजाय मां के पास रहना चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं ये बताना चाहती हूं कि अदालत की हिदायत के बावजूद ना तो डिफेंडेंट और ना ही उसका कोई वकील इस वक्त यहां मौजूद है। इसलिए मैं अपील करती हूं कि अदालत की नाफरमानी को मद्देनजर रखते हुए एक तरफा फैसला किया जाए और मेरी क्लाइंट को अपने बेटी की कस्टडी का अधिकार दिया जाए। ठहरिए योर ऑनर। योर ऑनर, मैं एक डॉक्टर हूं और मिस्टर विशाल की तरफ से कुछ कहने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है योर ऑनर। मिस्टर विशाल की गैर मौजूदगी की वजह अदालत की नाफरमानी नहीं बल्कि एक सीरियस एक्सीडेंट है। मैंने खुद उनका ऑपरेशन किया है और इस वक्त वो बेहोश पड़े हैं। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि मेडिकल ग्राउंड्स पर यह मुकदमा रोक दिया जाए और जब तक मिस्टर विशाल यहां आने के काबिल ना हो जाए किसी फैसले पर ना पहुंचा जाए। अदालत आपकी दरख्वास्त नोट करती है। योर ऑनर, क्योंकि इस मुकदमे को नतीजे तक पहुंचने में वक्त लगेगा इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करती हूं कि मेरी क्लाइंट को अपने बच्चे से मिलने की इजाजत दिलवाई जाए। योर ऑनर, एक डॉक्टर होने की हैसियत से मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि जब तक इस मुकदमे का फैसला ना हो जाए बच्चे को यह मालूम नहीं होना चाहिए कि ये उसकी मां है। इससे उस मासूम के दिमाग पर बुरा असर पड़ेगा। मिसेस गुप्ता, आपकी क्या राय है? हमें मंजूर है योर ऑनर। अदालत हिदायत करती है कि ज्योति देवी हफ्ते में एक दिन अपने बच्चे से मिल सकती हैं या दिन भर के लिए उसे अपने घर ले जा सकती हैं। शाम को बच्चा वापस भेज दिया जाए। Thank you.
पापा तुम कहाँ चले गए थे पापा और ये क्या हो गया तुम्हें? बेटा ठोकर लगी और किस्मत से टकरा गया। चलो चले। आंटी से नहीं मिलोगे पापा? पापा आप तो थे नहीं तो आंटी हमें यहाँ ले आई, हमने बहुत मजा किया है ना आंटी? देखो लकी कितना खुश है, इसे थोड़ी देर यहाँ और रहने दो प्लीज, इन सब बच्चों के साथ खेल रहा है। खेल खत्म हो चुका है और कानून की दी हुई मोहलत भी, इस वक्त लकी को उसके पापा की जरूरत है। चलो लकी। ठहरो लकी, गणेशन। जी मैडम। तुम अपने प्रेजेंस तो भूल ही गई, ये लो। थैंक यू आंटी। यू वेलकम। बाय आंटी। बाय बाय। चलो पापा। पापा आंटी बहुत अच्छी है, देखो कितने सारे प्रेजेंस दिए हैं मुझे, वो मुझे बहुत प्यार करती हैं। नहीं बेटे, वो खिलौने देकर प्यार जताकर तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है। सच पापा? हाँ बेटे। तो नहीं चाहिए मुझे खिलौने, जो मुझे मेरे पापा से छीनना चाहे उसकी कोई चीज नहीं चाहिए मुझे, मैं आंटी से बात भी नहीं करूंगा। वकील का आदमी आया था बेटे। जानता हूँ मौसी, उसको पैसे देने। ये दौलत भी बड़ी जालिम चीज है, कितनी जल्दी आदमी के घमंड गुरूर और उसूलों को मिट्टी में मिला देती है। याद है एक दिन आपने मेरी नौकरी पर लानत भेजी थी, पर कोई बात नहीं, मैं ये सारी बातें भूलकर आपको रुपया दे सकता हूं अगर आप मेरे चौकी बन जाएं। ये बात अब मेरे बस में नहीं है सर। क्यों? मैं मजबूर हूं और मैं ये मजबूरी आपको बता नहीं सकता। मुझे मजबूरियां सुनने का कोई शौक नहीं, रुपया हैसियत देकर दिया जाता है और आज तुम्हारी हैसियत कुछ भी नहीं, और फिर इतनी बड़ी रकम मैं तुम्हें किस खाते में दूं? मेरी नौकरी मुझे वापस लौटा दीजिए, मैं दिन और रात। नौकरी? वो तो मैं किसी और को दे चुका हूं। हाँ, हमारे फार्म का एक साइज छुट्टी पर गया हुआ है और हमें घोड़ों की सफाई के लिए एक आदमी की जरूरत है, तुम चाहो तो वो नौकरी मैं तुम्हें दे सकता हूं। मुझे मंजूर है सर। गुड। इसके अलावा मुझे मेरी रकम की गारंटी भी चाहिए। गारंटी मैं क्या दे सकता हूं सर, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास तो हीरा है हीरा, यही नाम है ना उस घोड़े का? राइट। तो फिर घोड़ा ले आओ और 10,000 रुपए ले जाओ। नहीं नहीं नहीं, वो घोड़ा मेरा नहीं है, मेरे बेटे का है। भाई दिस इज योर प्रॉब्लम, उसके बिना मैं तुम्हें रुपए नहीं दे सकता, और जब तुम मुझे मेरे रुपए वापस लौटाओ तो अपना घोड़ा ले जाना। राइट, अब तुम जा सकते हो। क्या हुआ बेटे? कुछ नहीं मौसी। क्या पैसों का इंतजाम नहीं हुआ? मैं हार गया मौसी, मैं हार गया। कल तक अगर वकील को पैसे नहीं पहुंचे तो वो केस नहीं लड़ेगा, लकी हमारे हाथ से निकल जाएगा, हमसे छीन जाएगा। जेके साहब ने मना कर दिया। पैसा तो वो देने को तैयार है मौसी, लेकिन बदले में हीरा को गिरवी रखना पड़ेगा, जो मैं हरगिज नहीं करूंगा। बेटा घोड़ा फिर भी आ जाएगा, दिन बदलेंगे, लेकिन इस वक्त नहीं मौसी, नहीं, मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकता। हीरा उसके सबसे प्यारी चीज है, उसके साथ खेला है, पला है, बड़ा हुआ है, और तुम कहती हो मैं उसे गिरवी रख दूं? कल वो हीरा के बारे में पूछेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? लकी पूछेगा ही नहीं। बेटे तुम? वाह पापा, दोस्त भी कहते हो और दोस्ती का मतलब भी नहीं समझते।
नहीं बेटे नहीं, नहीं। तेरे हीरा को तुझसे अलग नहीं होने दूंगा। मुसीबत में दोस्त तो उसके काम आता है ना पापा, बोलो ना पापा। हाँ बेटे। तो फिर गलती हो गई। बोलो सॉरी। सॉरी बेटे। पापा तुमसे प्यारी मुझे कोई चीज नहीं है, लो चाहे इसे बेच दो चाहे इसे गिरवी रखो। पापा जो कुछ कर रहे हैं तेरे लिए कर रहे हैं, रो मत बेटे रो मत। मैं क्या रो रहा हूं मौसी? और फिर तुम ही तो कहती थी कि हीरा को बेच दो, बेकार में अनाज खाता रहता है। मेरे बच्चे मिलो, शादी एक पवित्र बंधन है और खास तौर से हमारे समाज में इसकी बहुत अहमियत है। अग्नि के साथ फेरे लेते वक्त जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खाई जाती हैं, मगर इसके बावजूद आए दिन ये कस्में तोड़ दी जाती हैं। हंसते बसते घरों के सुख को बर्बाद कर दिया जाता है। अपनी संस्कृति और धर्म के पवित्र उसूलों का गला घोंट देना हमारे समाज में एक बहुत बड़ा जुर्म है। आज भी इस अदालत के रूबरू चुनकी एक ऐसी ही कहानी है जिसका शिकार एक औरत और उसका मासूम बच्चा है, और जिसका कसूरवार एक खुदगर्ज और संगदिल मर्द है। योर ऑनर, मैं आपकी इजाजत से मिस्टर विशाल से कुछ सवाल करना चाहती हूं। मिस्टर विशाल तशरीफ लाइए। मिस्टर विशाल, मेरी क्लाइंट ने आप पर इल्जाम लगाया है कि बरसों पहले आप उसके दूध पीते बच्चे को घर से चुराकर गायब हो गए, क्या यह सच है? जी हाँ। शायद आप नहीं जानते कि एक दूध पीते बच्चे को उसकी मां से अलग कर देना एक संगीन जुर्म है, और अगर जानबूझकर आपने ये जुर्म किया है तो जाहिर है इसकी कोई वजह रही होगी। क्या मैं पूछ सकती हूँ आपने अपनी पत्नी को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो सिंगर बनना चाहती थी। और आपकी नजर में ये एक ऐसा जुर्म है जिसे माफ नहीं किया जा सकता? आपके नजदीक तो औरत का काम सिर्फ घर संभालना, झाड़ू देना और बच्चे पैदा करना है। खैर, आप दोनों के जीवन में ये दरार कब पड़ी? बच्चा पैदा होने से पहले या उसके बाद? बच्चा होने के बाद। और बच्चे का मसला कैसे हल किया आपने? मैं बच्चे को लेकर दूसरे शहर चला गया। लेकर नहीं मिस्टर विशाल, उसे चुराकर। उसकी माँ से इजाजत लेने की आपने जरूरत ही नहीं समझी, क्योंकि आपके नजदीक औलाद तो बाप की मिल्कियत होती है। माँ सिर्फ अपनी जान पर खेलकर बच्चे को जन्म देने का फर्ज पूरा करती है, और इसलिए आप गैर कानूनी तौर पर उसे लेकर फरार हो गए। बच्चे को माँ के बारे में क्या बताया आपने? वो मर चुकी है। मिस्टर विशाल, एक मासूम बच्चे से इतना बड़ा झूठ बोलते हुए आपकी जमीर ने कुछ तो धिकारा होगा आपको। यह जमीर नामी चीज को बिल्कुल ही भुला दिया आपने। बाय द वे, आजकल आप क्या करते हैं? कुछ दिन पहले नौकरी करता था, आजकल बेकार हूं। पता नहीं आपको सच से इतनी नफरत क्यों है मिस्टर विशाल,
वरना आप अच्छी तरह जानते हैं आप बेकार नहीं नौकर हैं एक अस्तबल में जहां आप घोड़ों की सफाई करते हैं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, वकील साहबा को मेरे क्लाइंट पर कीचड़ उछालने का कोई हक नहीं। आखिर ये साबित क्या करना चाहती है? मैं ये साबित करना चाहती हूँ योर ऑनर कि ये आदमी एक झूठा खुदगर्ज और बेजमीर इंसान है जिसने अपनी नेक और पतिव्रता पत्नी को सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया कि वो सिंगर बनना चाहती थी। घर की जिम्मेदारियों में कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ चलना चाहती थी। मासूम जहन को एक अच्छी परवरिश और एक अच्छे माहौल की जरूरत होती है मिस्टर विशाल। आप अपने बेटे के लिए एक कामयाब बाप कैसे बन सकते हैं जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिंदगी के किसी भी पहलू में आप कामयाब नहीं रहे। यू आर ए टोटल फेलियर मिस्टर विशाल। आप एक नाकाम इंसान है, अपने पेशे में नाकाम, यहां तक कि शादी जैसे पवित्र रिश्ते में भी नाकाम। ऐसे इंसान का औलाद पर कोई अधिकार नहीं योर ऑनर। अगर किसी का अधिकार है तो सिर्फ उसकी मां का। अब यूं औरतों की तरह सर पकड़कर बैठने से क्या फायदा? केस तुम लोग खराब करते हो और बदनाम होता है वकील। हर बात पे इस तरह सर हिलाने की क्या जरूरत थी? दरअसल बात यह थी वकील साहब, मैं परेशान हो गया था। परेशान हो गया था? मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि वहां किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे? बताया तो था लेकिन लेकिन कुछ नहीं। तुम्हारी जरा सी गलती ने मुझे डिफेंसिव पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया है एंड दैट्स द पोजीशन आई हेट, आई डोंट लाइक इट। अब होगा क्या? होना क्या है? अब होगा ये कि कल सुबह बच्चे को कोर्ट में ले जाएंगे। नहीं वकील साहब, लकी अदालत में नहीं आएगा, उसे लाना पड़ेगा। मुझे ये केस जीतना है। आपको ये केस लकी को अदालत में लाए बगैर ही जीतना होगा। ज्योति देवी, जरा अपनी साड़ी का पल्लू ठीक कर लीजिए। थैंक यू। हां तो ज्योति देवी, ना तो मैं ड्रामा कंपनी का आदमी हूं, ना टीवी प्रोड्यूसर और ना ही म्यूजिक डायरेक्टर, लिहाजा मेरे हर सवाल का जवाब टू द पॉइंट और साफ साफ दीजिएगा। अलिफ लैला की कहानियां सुनानी शुरू मत कर दीजिएगा, इससे एक तो अदालत का वक्त जाया होगा, दूसरा मेरा भी, और आप तो वैसे भी ओवर कमिटेड हैं। आप जानती हैं कि एक हिंदुस्तानी औरत की जिंदगी में पति का क्या दर्जा होता है? जी हाँ। पति परमेश्वर कहलाता है, भगवान का स्थान दिया गया है उसे, क्या इस बात से आप इनकार करती हैं? जी नहीं। फिर भी आपने अपने पति की आज्ञा मानने से इनकार किया, मैं पूछ सकता हूं क्यों? मैं ऐसा हरगिज नहीं करती, मगर आपके शौक ने आपको मजबूर कर दिया, इसलिए कि आपका शौक आपको घरेलू जिंदगी से ज्यादा अजीज था। एम आई राइट? मैंने तो सुना है और किताबों में भी पढ़ा है कि औरत बलिदान और कुर्बानी का दूसरा नाम होती है, और वैसे देखा जाए तो आपने भी ऐसी एक मिसाल कायम कर दिखाई है। जी जी हां, शायद आप भूल रही हैं कितनी बड़ी कुर्बानी दी है आपने, अपने घर की, अपने बच्चे की और अपने पति की, और ऐसा करके बरसों से चली आ रही इस परंपरा को आपने खाक में मिला दिया है। औरत और पवित्रता के नाम पर थप्पा लगा दिया है, एक ही छटके में उसे कहां से कहां पहुंचा दिया है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन। ज्योति देवी, क्या आपकी हरकत साबित नहीं करती कि आप एक निहायत ही खुदगर्ज औरत हैं? ऑब्जेक्शन सर। ऑब्जेक्शन सस्टेन। यस योर ऑनर। क्या यह सच नहीं कि आपने अपने शौक को पूरा करने के लिए अपने पति और बच्चे को दांव पर लगा दिया, यहां तक कि उस दहलीज को भी पार कर गई जिसके बाद औरत पत्नी नहीं बदनामी का दाग कहलाने लगती है? ऑब्जेक्शन सर। एंड आई ऑब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्शन सर। यह एक बच्चे के भविष्य का सवाल है। अगर वकील साहबा मेरे क्लाइंट पर कीचड़ उछालने का हक रखती हैं, तो मैं भी इस औरत को बेनकाब करने का हक रखता हूं। हां तो ज्योति देवी, तो फिर ये शौक तो ना हुआ, एक प्रोफेशन बन गया, एक जरिया बन गया। दूसरे लफ्जों में यूं कहिए कि आप अपनी आवाज बेचती हैं। मेरा मतलब है कि जिस तरह एक दुकानदार सौदा बेचता है, या बदनाम औरतें अपना जिस्म बेचती है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। वकील साहब को यह मालूम होना चाहिए कि आवाज बेचने और जिस्म बेचने में बहुत फर्क होता है।
अरे भाई आप खफा क्यों होते हैं, मैं दूसरा सवाल पूछ लेता हूँ। शुक्रिया। हाँ तो ज्योति देवी, आपके पेशे में आपका वास्ता यकीनन मर्दों से भी पड़ता होगा, मेरा मतलब है कि प्रोड्यूसर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स वगैरह वगैरह से। पूछ सकता हूं कि कितने मर्दों के साथ आपका करीबी ताल्लुक रहा है? मेरा मतलब है कि जिसे आप लोग अपनी जुबान में रोमांस कहते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही आदमी को चाहा है। ना 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 ना, आप भूल रही हैं, एक नाम और भी है, म्यूजिक डायरेक्टर हरीश शाह का, जिसने आपके इश्क में खुदकुशी करने की कोशिश की थी। उस खुदकुशी की वजह मेरी मोहब्बत नहीं, मेरी नफरत थी। आई सी। और उस संगीतकार के बारे में आपको क्या कहना है जिसके 5 गानों के लिए आपने पैसे ही नहीं लिए? वहां भी मोहब्बत नहीं, एक गिरते हुए इंसान को सहारा देने की कोशिश थी। लोगों को सहारा देने का बहुत शौक है आपको, और शायद इसी शौक ने आपको घर की चार दीवारी से निकलकर सेठों के बंगलों की जीनत बनने पर मजबूर कर दिया। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बातें करते हुए। शर्म तो आपको आनी चाहिए जिसने घर का चिराग बनने के बजाय महफिलों की क्षमा बनना पसंद किया। कौन नहीं जानता जिस पेशे से आपका ताल्लुक है वहां दिन सोते हैं और रातें जागती है, संगीत की महफिलें सजती है, नाच गाना चलता है, रंग रलियां मनाई जाती है, और इन महफिलों में मर्द अपने होश गवाकर औरत की इज्जत को एक खिलौने से ज्यादा नहीं समझते। मैं पूछता हूं, क्या यही भविष्य पसंद किया है आपने अपने बच्चे के लिए? क्या यही गंदा माहौल दिखाना चाहती है उस मासूम के जहन को? क्या यही बदनामी का दाग सजाना चाहती है उस बच्चे के चेहरे पर? आपने एक तंग गली से रोशन बंगले तक जो सफर तय किया है उसमें बहुत कुछ खोना पड़ता है ज्योति देवी, बहुत कुछ। जमीर, एहसास, दिल, यहां तक कि जिस्म की खूबसूरती को भी दांव पे लगा देना पड़ता है। मेरे नजदीक शोहरत और चमक दमक में लिपटी हुई आपकी काया किसी जलील और बदनाम औरत से कदे कम नहीं। बस कीजिए वकील साहब, बस कीजिए, बस कीजिए। योर ऑनर, मुझे नहीं मालूम था कि एक को अच्छा साबित करने के लिए दूसरे पर इतना कीचड़ उछालना पड़ता है। मेरा बच्चा मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है, लेकिन उससे भी ज्यादा अजीज ज्योति की इज्जत है, जिसे मैं रुस्वा होते नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। अदालत आपके जज्बे की कदर करती है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि आपके विवाद के कहने से आपके केस पर क्या असर पड़ सकता है? जानता हूं योर ऑनर, मगर मैंने पहले इन्हें बहुत तकलीफें पहुंचाई हैं, अब इनके दुखों को और बढ़ाना नहीं चाहता। तो आप बच्चे को ज्योति देवी के हवाले करने को तैयार हैं? मैं तैयार हूं सर, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ी सी मोहलत चाहिए। ठीक है, अदालत आपको 15 दिन का वक्त देती। थैंक यू सर। इस घर की सारी रौनक उसी से है बेटा, अगर वो चला गया तो ये घर सूना हो जाएगा। हाँ मौसी, घर तो सूना हो जाएगा, लेकिन माँ का प्यार मिलने से लकी के दिल के घाव तो भर जाएंगे। लकी को बाप की जरूरत है, तेरा प्यार उसके लिए काफी है, उसे रोक ले बेटा, रोक ले उसे। कैसे रोक लूं मौसी, फिर तुम्हें तो बहुत तंग करता था ना? हाँ, यही गम खाए जा रहा है मुझे। वो चला गया तो कौन लड़ेगा मुझसे, कौन मनाएगा मुझे? ये घर घर नहीं रहेगा बेटे, घर नहीं रहेगा। मुझे बता रही हो मौसी, जिसकी जिंदगी की तमाम खुशियां लक्की में सिमट कर रह गई थी, उसकी शक्ल ना देखूं तो मेरी सुबह नहीं होती, उसे सीने से लगाऊं तो मैं रात को सो नहीं सकता, और जब वो
जब वो पापा पापा कहता है तो मैं तो उसी में तो रो भी नहीं सकता। तुम्हारी पैसे की हवस ने मुझे कहीं का ना छोड़ा। मेरा बसा बसाया घर उजड़ गया। मेरी खुशियों मेरे अरमानों का गला घोंट दिया तुमने। मेरी जिंदगी को नरक बना दिया। मेरी वजह से तेरी जिंदगी नरक नहीं स्वर्ग बनी है। आज मेरी ही वजह से तू इस दौलत और शौहरत की मालिक है। हर तरफ तेरे नाम का डंका बजता है। जिधर जाती है हलतालियों से गूंज उठते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं खुद को विशाल के बराबर बना लूंगी। और सुनो, आज से मैंने गाना भी छोड़ दिया है। ज्योति, अब तुम्हारी सोने चांदी की जंजीरें मुझे नहीं रोक सकती। माँ, मैं जा रही हूँ, अपने घर जा रही हूँ, अपने विशाल के पास जा रही हूँ। सुनो ज्योति, तेरा घोड़ा नहीं मेरा घोड़ा है। तेरे बाप को पूरे 10,000 रुपए दिए हैं बच्चे, तेरा बाप इसे बेच गया है समझा? चल भाग यहां से। इंस्पेक्टर अरेस्ट हिम। ज्योति देवी, आप केस जीतने के बाद एक हारे हुए वकील के पास आने की वजह? उन्हें जेल हो गई है वकील साहब। जानता हूं, और यह भी जानता हूं कि आज उसे जेल से छुड़ाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हालात ने उसे तोड़ दिया है। आज वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं बल्कि गुमनामी के अंधेरों में खो चुका है। जो इंसान खुदकुशी करने पर आमादा हो, उसे मेरे जैसा वकील भी नहीं बचा सकता। यकीन मानिए वकील साहब, वो ऐसे नहीं थे। कामयाबी और शोहरत उनके कदम चूमती थी। एक बार वो जेल से निकल जाएं, तो सब ठीक हो जाएगा। एक उजड़ा हुआ घर फिर से बस जाएगा। एक पत्नी को उसका पति मिल जाएगा, एक बेटे को उसका बाप। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं वकील साहब, इनकार मत करिएगा। मैं जानता था आप जरूर आएंगे। मेरी वजह से आप जिंदगी में पहली बार केस हार गए। मेरी वजह से आपके नाम और शोहरत पर धब्बा लग गया। क्या करता, मजबूर था। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। एक केस में हार गया, लेकिन दूसरा जीतना चाहता हूं। इस वकालतनामे पर साइन कर दो, हाईकोर्ट में अपील करके तुम्हें यहां से मैं छुड़ा लूंगा। मैं जानता हूं आपके लिए कोई मुश्किल नहीं, लेकिन आज मैं आपकी फीस देने के काबिल नहीं रहा। मुझे फीस नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? ये क्यों नहीं कहते कि फीस आपको मिल चुकी है? ज्योति ने भेजा ना आपको? उस औरत ने भेजा है जिसकी इज्जत तुम्हें अपने बेटे से भी ज्यादा अजीज है। उस औरत ने भेजा है जो केस जीत कर भी हार गई है। उसे सिर्फ बेटा ही नहीं पति भी चाहिए, उसकी रिहाई चाहिए। आपको फिर से एक बार मायूस होना पड़ेगा। जिसकी जिंदगी कैद हो चुकी हो, उसे रिहाई कैसे मिल सकती है? ये सजा तो मुझे काटनी ही होगी। देखो विशाल, अगर तुम जिद करोगे तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। डॉक्टर और वकील अपने मरीज या क्लाइंट से पूछकर उसका इलाज नहीं करते। आप समझते क्यों नहीं है, इस मर्ज का कोई इलाज नहीं है। इलाज है,
मैं साथ लेकर आया हूं। लो, पूछ लो अपने बेटे से, किसी भी हालत में ये ज्योति के पास रहने को तैयार नहीं। तुम यहां जेल में रहोगे तो इस मासूम को क्या अनाथ आश्रम में रखोगे? हेलो पापा। हेलो बेटे। पापा, घर चलो पापा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हारे पापा ने जुर्म किया है, उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए ना, कुछ दिन यहाँ रहना होगा। पापा, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। नहीं, ये जगह तुम्हारे रहने के काबिल नहीं है, यहाँ बुरे लोग रहते हैं। तुम तो बहुत अच्छे हो पापा। देखो, अब तुम्हें ज्योति आंटी के यहाँ रहना होगा या अंकल तुम्हें वहाँ छोड़ देंगे। नहीं पापा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और फिर ज्योति आंटी तो मुझे तुमसे छीनना चाहती हैं। याद है एक दिन तुम्हीं ने तो कहा था। देखो बेटा, जिद मत करो, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा करो। आज तक मेरी कोई भी बात मानने से इनकार किया तुमने? नहीं पापा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे अपने से दूर मत करो पापा, प्लीज पापा। देखो बेटे, तुम्हें वहाँ जाना होगा। मैं नहीं जाऊँगा। मैं कहता हूँ तू जाएगा वहाँ? मैं नहीं जाऊँगा। पापा। क्या पापा, पापा की रट लगा रखी है? क्या मिल जाएगा तुझे मेरे साथ रहकर? कुछ नहीं दे सकता मैं तुझे। तेरा पापा नाकाम इंसान है जो तुझे प्यार के सिवा एक फूटी कौड़ी भी नहीं दे सकता। तू मेरे जैसा बनना चाहता है? मेरे जैसा बनना चाहता है? मैं तंग आ चुका हूं तुझसे, मुझसे नहीं उठाया जाता तेरा ये बोझ। मैं तंग आ चुका हूं, मुझसे नहीं उठाया जाता तेरा ये बोझ। मैं बहुत थक गया हूँ बेटे, बहुत थक गया हूँ। मत रो पापा, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। तो पहले क्यों नहीं मानी मेरी बात? गलती हो गई। तो फिर सॉरी बोलो। सॉरी पापा। क्या सका। मैंने बहुत कोशिश की, तुम्हें मेरी याद नहीं आती थी? आती थी? हाँ बेटा, तू नहीं जानता तेरा पापा तेरे लिए कितना रोया है, वो तेरे बगैर नहीं जी सकता। देख, मैंने तुझे मारा था ना, मैंने अपने आप को सजा भी दे दी। अब तुम मुझे अपने से दूर नहीं भेजोगे ना पापा? नहीं बेटा, कभी नहीं। तो फिर मुझे अपने सीने से लगा लो। हाँ बेटा, हाँ। पापा! क्या हुआ? क्या हुआ लकी? बेटा तुम बोलते क्यों नहीं? मैं तुमसे नहीं बोलूंगा आंटी, तुमने मुझे मेरे पापा से छीन लिया, यही चाहती थी ना तुम। पता नहीं क्या हाल होगा मेरे पापा का, रात को उन्हें मेरे बिना नींद भी नहीं आती, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। देखो, मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूँ ना। नहीं आंटी, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, नहीं तो तुम मुझे मेरे पापा से कभी अलग नहीं करती। बोलो आंटी, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? अपनी ममता से मजबूर थी बेटा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? बेटा बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ? हाँ माँ, तुम्हारी माँ। और तुम मेरे बेटे हो, मेरे बेटे। ये झूठ है, मैं सिर्फ पापा का बेटा हूँ और मेरी माँ मर चुकी है। नहीं बेटा नहीं, तुम्हारे पापा ने तुमसे झूठ कहा था। मेरे पास आओ, अपनी माँ के पास आओ। छोड़ दो मुझे, तुम मेरी माँ नहीं हो। अगर तुम मेरी माँ होती तो हमारे घर में होती। शायद तुम ठीक कहते हो बेटा,
मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। एक बार उस घर की दहलीज पार करके जो गई, उसकी सजा आज तक भुगत रही हूँ। आज तेरे पापा भी मुझे अपनाने को तैयार नहीं, क्योंकि वो अंदर से टूट चुके हैं, जिंदगी से हार मान ली है उन्होंने। कल तक दौलत और शौहरत जिनके पांव चूमती थी, आज वो मुझे तो क्या तुझे भी नहीं पाल सकते, नहीं तो क्या वो तुझे अपने से दूर करते। लकी बेटे, तुझे अपने पापा से बहुत प्यार है ना, तो जा उन्हें फिर से चैंपियन बना दे। मैं जानती हूँ वो तेरी बात कभी नहीं डालेंगे। कल वो जेल से छूट रहे हैं ना, और कुछ ही दिनों के बाद यहाँ की सबसे बड़ी रेस है, 2 लाख रुपए का इनाम है। अगर तेरे पापा ये रेस जीत गए ना, तो वो तुझे अपने से कभी दूर नहीं करेंगे। उनकी जिंदगी की उजड़ी हुई खुशियाँ फिर से लौट आएंगी, और ये खुशियाँ सिर्फ तू उन्हें दे सकता है। सिर्फ तू बेटे, सिर्फ तू। लकी मेरे बेटे, कैसे हो पापा? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। पापा, अपना हीरा आंटी से वापस ले आई। अच्छा? हाँ पापा, अगली बार को बहुत बड़ी रेस है, और मैं चाहता हूँ कि हम अपने हीरा को उसमें दौड़ाएं। हीरा को? पापा, तुम ही तो कहते थे कि हीरा बहुत अच्छा घोड़ा है और एक दिन बहुत बड़ी रेस जीतेगा। वो तो ठीक है बेटे, लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, हीरा उस रेस में दौड़ेगा और तुम राइडिंग करोगे। मैं? नहीं बेटा, ये नहीं हो सकता। नहीं, क्यों नहीं हो सकता? मैं जानता हूँ, तुम कल भी चैंपियन थे और आज भी चैंपियन हो। नहीं बेटा, मैं ये काम छोड़ चुका हूँ। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं राइडिंग नहीं कर सकता? मेरी खुशी के लिए भी नहीं? देखो बेटा, तुम्हारी खुशी के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन देखो, मैंने आज तक तुम्हारी कोई बात टाली है? फिर आज क्यों टाल रहे हो? बोलो पापा, जब लोग तुम्हें एक बार फिर चैंपियन कहेंगे तो मुझे कितनी खुशी होगी। मैं सबके सामने सिर उठाकर कह सकूंगा, आई एम लकी सन ऑफ चैंपियन जॉकी विशाल खन्ना। है किसी के पापा में हिम्मत जो मेरे पापा का मुकाबला कर सके? बोलो पापा, करोगे ना राइडिंग प्लीज मेरी खातिर? तुम्हारी खातिर, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं ये बाजी भी खेलूंगा। और जीतोगे भी जरूर। हाँ बेटे, अगर जिंदगी और मौत की बाजी खेलनी है तो जीतने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। डर्बी में हमारे रॉकी का क्या चांस है? चांसेस तो 100% है सर। तुम्हें पूरा यकीन है? यस, इस बार हमारा घोड़ा बिल्कुल तैयार है, और उस पर जो जॉकी बैठा है सारे हिंदुस्तान में उसी का तो नाम है। राइट। लेकिन मेरे पापा से नहीं जीत सकता वो। ओ, तुम बेटे अपने कद से ऊंचा नहीं बोलते। शायद तुम नहीं जानते कि इस रेस में रॉकी के मुकाबले का और कोई घोड़ा नहीं है। सेठ साहब, मेरा हीरा। बेटे, हम घोड़ों की बात कर रहे हैं, गधों की नहीं। अपने पापा से कहो कि हीरा को तांगे में जोत लें, सवारी का शौक भी पूरा हो जाएगा और उस बेचारी की रोजी रोटी भी चलती रहेगी। और आप भी अपने घोड़े को अस्तबल में बांध कर मालिश करवा लीजिए तो अच्छा है, क्योंकि ये रेस मेरे पापा ही जीतेंगे। विशाल कहाँ है? वो तो स्टार्टिंग गेट तक जा चुका है, लेकिन डॉक्टर आप इतने परेशान क्यों हैं? मुझे ये रेस रोकनी है किसी कीमत पर भी। रेडी,
दौड़ के पहले 400 मीटर पूरे, हीरा सबसे पीछे और रॉकी सबसे आगे। 8 साल पहले हर रेस में तहलका मचा देने वाला जॉकी विशाल पूरी तरह पिछड़ा हुआ। फेवरेट रॉकी सारे घोड़ों को आउटपेस करता चला जा रहा है। स्टार्ट टू फिनिश ये रेस जीतने की कोशिश कामयाब होती दिखाई दे रही है। खचाखच भरी हुई भीड़ चिल्ला चिल्ला कर रॉकी को बढ़ावा दे रही है। अब घोड़ों ने इस रेस की आधी दूरी तय कर ली है। रॉकी के डंग हर स्ट्राइक के साथ लंबे होते चले जा रहे हैं। वो ताकत, स्टेमिना और स्पीड की एक नई मिसाल कायम करता चला जा रहा है। लेकिन अब विशाल भी जान की बाजी लगाकर हीरा को आगे लाने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर रॉकी अभी भी बहुत आगे है। घोड़े अब आखिरी मोड़ की तरफ आ रहे हैं। 600 मीटर के इस मार्ग पर घोड़ों का एक जमघटा सा कायम हो गया। होम स्ट्रेच में रॉकी सबसे पहले दाखिल, उसने रेलिंग पकड़ ली और सारी फील्ड से कम 4 लेंथ आगे। विशाल अब भी सबसे पीछे, हीरा बाहर की तरफ बढ़ रहा है, पर विशाल ने अब उसे संभाल लिया है और विशाल हीरा को सबसे बाहर की तरफ निकाल कर अब उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी स्पीड के सामने रॉकी को छोड़कर सारी फील्ड खड़ी नजर आने लगी है। आखिरी 200 मीटर बाकी रहे हैं। दोनों घोड़े नेक टू नेक फाइट कर रहे हैं। लोगों ने दांतों से रखने की दवाई दबा ली है। विशाल की घुड़सवारी देखकर आंखों को यकीन नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी, उसका सब कुछ इस रेस की हार जीत पर निर्भर करता है। और अब रॉकी के छक्के छूटते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर शर्मा बोल रहा हूँ रेस कोर्स से। मुझे फॉरन इमरजेंसी इक्विपमेंट चाहिए। हाँ, वक्त बहुत कम है। नहीं नहीं, मरीज शिफ्ट नहीं किया जा सकता। दिस इज इमरजेंसी। डॉक्टर, विशाल बच तो जाएगा ना? समझ में नहीं आता उसने ऐसा क्यों किया। मैंने बार बार कहा था विशाल तुम बीमार हो, राइडिंग तुम्हारे लिए खतरनाक है, तुम्हें हेमरेज हो सकता है, तुम्हारी जान जा सकती है। फिर ये पागलपन उसने क्यों किया? पापा, 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 मैं कहता था ना पापा कि तुम कल भी चैंपियन थे और आज भी चैंपियन हो। ज्यादा चोट तो नहीं लगी पापा? नहीं बेटा। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे ना पापा? हाँ। मैं सर दबा दूँ? नहीं बेटा। देखो बेटे, मेरी बात गौर से सुनो। ये जो दुनिया है ना, यहाँ हर चीज बदलती रहती है। कभी दिन है तो कभी रात, कभी पेड़ों पर फूल खिलते हैं फिर मुरझा जाते हैं, स्कूल की क्लासों में नए लड़के आते हैं और पुराने चले जाते हैं, है ना? हाँ पापा। इसी तरह दुनिया का हर नाता, हर बंधन एक एक न एक दिन टूट जाता है। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो कभी नहीं टूटते। नहीं बेटे, जो आया है उसे जाना भी है, बाकी सब रिश्ते पीछे छूट जाते हैं। आज वो दिन आ गया बेटे। नहीं पापा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ पापा। तेरा और मेरा रिश्ता यही तक। ओह नो, नर्स टूटती जा रही है, इंजेक्शन दो जल्दी। Oh,
मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जीऊंगा, मुझे जीना है अपने लक्की के लिए। दो जिस्म एक जान, कभी अलग हो सकते हैं? बेटा, पापा ने तुझसे एक झूठ बोला था। क्यों पापा, तुम तो कहते थे झूठ बोलना बुरी बात है। गलती हो गई बेटा। तो फिर सॉरी बोलो। सॉरी बेटा। बेटा ये जो है ना, ये तुम्हारी आंटी नहीं है, ये तुम्हारी माँ है। माँ? हाँ बेटा। ज्योति, ज्योति आवाज, हम दोनों मिलकर अपने बेटे को उसका अधिकार लौटाते हैं।